फरीदाबाद में नगर निगम चुनावों की घोषणा के बाद 21 दिसंबर से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है। वहीं रविवार और सोमवार को 2 दिन की छुट्टी होने के चलते नामांकन नहीं भरे जाएंगे और 27 तारीख यानी मंगलवार को नामांकन भरने का अंतिम दिन होगा। यानी रविवार, सोमवार और मंगलवार को 3 दिन का समय मानकर चल रहे प्रत्याशियों के लिए ये पता चलने के बाद उनकी धड़कनें बढ़ना लाजमी है। वहीं चुनाव आयोग की रिटर्निंग अधिकारी के मुताबिक उन्होंने अंतिम दिन भीड़ होने की संभावना के चलते नामांकन भरवाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। उनके मुताबिक उन्होंने 40 वार्डों के नामांकन भरने में 10 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, जिन्हें 4-4 वार्ड दिए गए हैं, जिसके चलते भीड़ होने के बाद भी नामांकन भरने की प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चुनावों के लिए किस तरह की तैयारियां हैं, कब तक भरे जाएंगे, क्या-क्या प्रोसेस है? चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार 15 तारीख को रिटर्निंग ऑफिसर यानी ADC फरीदाबाद द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जिसके तहत 21/12/2016 से 27/12/2016 तक नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे, जिसमें 25 तारीख और 26 तारीख को छुट्टी रहेगी, उस दिन नॉमिनेशंस नहीं होंगे। 28 तारीख को मिनी सेक्रेटरिएट के अंदर रूम नंबर 603 के अंदर सभी नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी की जाएगी और लिस्ट ऑफ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स फाइनल कर दी जाएगी। 29 तारीख 11 बजे से 3 बजे के बीच में कोई भी अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकता है और उसके तत्पश्चात उनको संबंधित ARO द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। तो अभी तक किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जैसे 10 जगह पर अलग अलग नामांकन भरे जा रहे हैं, क्या प्रोसेस? डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद द्वारा मुझे, रिटर्निंग ऑफिसर व 10 अन्य अधिकारियों को 4-4 वार्ड देकर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स नियुक्त किया गया है। संबंधित ऑफिसर्स अपने अपने कार्यालय में, जिनका नोटिफिकेशन किया गया था, वहाँ पे नॉमिनेशंस ले रहे हैं। कल तक टोटल 41 नॉमिनेशंस आए थे, आज जो नॉमिनेशन आएंगे उसका हमारे पास ब्यौरा अभी तक नहीं आया है, आने का आपको बता दिया जाएगा। खबर हरियाणा में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए BVM News। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।